अरोरा साहब, इसकी काट क्या है? क्या असल में अब जो होगा उसको कुछ गारंटी नहीं लिया जा सकता? या आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है और क्या होगा आगे? पैटर्न ये है कि मेरे हिसाब से लद्दाख में आने के तीन रास्ते हैं। एक है जो पेंगोंग सो, चुशुल, पंगुर गैप, चाहे वो नॉर्थ पेंगोंग सो हो या साउथ हो, एक इधर से, और दूसरा है जहाँ पे गलवान हॉट स्प्रिंग एरिया में घुसपैठ हुई थी। तीसरा है जो देपसांग वैली दौलत बे गोल्डी से। तो चीन को अभी फिक्र है कि जो उसका हाईवे है या जो भी रोड कम्युनिकेशंस हैं जो अक्साई चीन से जा रही हैं, उसके ऊपर एक रात में ही हमारी तरफ से कोई भी घुसपैठ करके वहां पे उनकी मूवमेंट रोक सकता है। उनको इनसिक्योरिटी है। तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है क्या? ये इनसिक्योरिटी की वजह से, अपनी तरफ की इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है या भारत की तरफ जो स्ट्रक्चर्स बन गए, खड़े हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, ये उससे होने वाला डर है? सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये अहम खबर बता दूं, इस वक्त की अहम खबर लेनी होगी। पहले भारत के सदाबहार दोस्त ने चीन को सुखोई SU-57 देने से इनकार कर दिया है। चीन रूस से सबसे पहले सुखोई SU-57 खरीदना चाहता था। चीन सुखोई SU-57 रूस का पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट है, अमेरिका के लिए F-35 के मुकाबले के लिए खरीदना चाहता था चीन। इस खबर के मायने सुमित जल्दी से। खबर के मायने साफ हैं कि भारत और रशिया की जो नजदीकी है लगातार बढ़ रही है। आपको याद होगा इससे पहले जब रक्षा मंत्री गए थे तब भी रूस की तरफ से अशोर किया गया था कि वो पाकिस्तान को कोई नया हथियार नहीं देगा, और अब चीन के बारे में खबरें आ रही है। तो आप मान के चलिए दिनेश कि चीन का खासतौर पर देखना चाहिए क्या इसको, इस तरीके से देखना चाहिए S-400 की डिलीवरी को रोका जाना, इधर SU-57 को लेकर ये तय किया जाना? राकेश सर आपके पास, क्या ये दिखा रहा है कि रूस का इंक्लिनेशन किस तरफ है, बगैर कमिट किए हुए वो किसके साथ है, या ये इससे कुछ ये समझ नहीं लगानी चाहिए अभी? देखिए, जैसे चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान है, इसी प्रकार से हमारा, मैं कहूंगा डेकेड से, रशिया हमारा, रूस हमारा एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और विश्वसनीय मित्र है, और जब भी कभी हमें जरूरत पड़ी है उसने हमें सपोर्ट किया है। थोड़ा सा बीच में चाहे इधर उधर कुछ हुआ है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी मानसिकता यानी कि कम्युनिज्म कठी मिलती थी, लेकिन रशिया ने कभी भी, रूस ने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले दिनों के बीच में जो देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना इस वक्त एक विलन करार दिया गया है, चाइना विलन करार दिया गया है। रूस बेशक कुर्बत रखता हो उससे, लेकिन क्लियर कट उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, आपकी बातों का नट चलिए, और भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है वो दोस्ती ज्यादा प्रगाढ़ रूप से सामने दिखाई देगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि कुछ ही देर में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। कुछ ही देर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है, क्या हो गया है ऐसा कि पाकिस्तान और चीन में खलबली है, हिंदुस्तान में होने वाली एक घटना से क्या हो गया ऐसा जिसके चलते वहां खलबली है।